जन विश्वास यात्रा के पांचवें दिन शनिवार को नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नालंदा में शानदार स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा गया। परवलपुर में युवा जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने जेसीबी मशीन के सहारे तेजस्वी यादव का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं बिहार शरीफ के विजबन पर इलाके में राजद नेता देवीलाल यादव ने बैंड बाजा से स्वागत किया। एकंग्रसराय प्रखंड के मैदान में आयोजित जनसभा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन ने तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, ये हमारी क्षमता का केवल 10% परिणाम है। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसे हमने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि इतनी नौकरी देना असंभव है, लेकिन जब उनका बेटा और भतीजा सरकार में आए तो उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। तेजस्वी यादव ने आगामी 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले महागठबंधन की रैली में लोगों को आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक बार पटना के गांधी मैदान पहुंचिए और मिलकर हम लोग संदेश दें कि अब बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब कोई विचारधारा, सिद्धांत या नैतिकता नहीं बची है। और 17 महीने हमने अपने केवल क्षमता का केवल 10% काम किया, केवल 10% क्षमता का किया। ये आप लोगों को हम बताना है, 2020 के चुनाव में हमने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे अगर आप लोग मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन केवल 6-7 सीट दूर हम लोग बहुमत से रह गए। पता नहीं अचानक से बिना बताए आप जो है भाजपा में चले जाते हैं, तो कोई रीजन नहीं है। और जब तक स्थिरता नहीं रहेगी बिहार में सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। नालंदा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नालंदा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चार शब्दों के साथ प्रोग्राम होता है। जय हिंद, जय भारत। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज धर्मन की यात्रा पे हैं। उनकी स्वागत के लिए आज परवलपुर में हजारों हजार की संख्या में उनकी स्वागत करने के लिए हम लोग खड़ा हैं, जो कि जेसीबी से फूल की बारिश होगी, बैंड बाजा घोड़ा के साथ उनको स्वागत हम लोग करेंगे। किस यात्रा पर निकले थे आज? जन विश्वास यात्रा पे उन्होंने निकले हैं, जो 17 साल बनाम 17 महीना जो है, जो इन्होंने 17 महीना ने जो काम करके दिए हैं, नौजवानों का जो नौकरी दिए हैं, यह सभी नौजवान उत्साहित होकर उनको स्वागत के लिए आज यहां सड़क पर सब खड़ा है। और नौजवानों ने उत्साह बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। माननीय तेजस्वी जी, हमारे पूरे बिहार में जनसंवाद का यात्रा कर रहे हैं, उसी में हम लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं माननीय तेजस्वी जी को। और ये जो सैलाब दिख रहा है वो जनता मालिक है, उनको दिखेगा हमारे माननीय तेजस्वी जी को कि जनता मालिक है, जनता हमारे हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में तो आप देख ही रहे, जनता का जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, जन सैलाब देख करके ही आप लोग को पता चलेगा कि 40 सीट आपको उनको जाएगा, हाथों में जाएगा, क्योंकि वो नौकरी देने का काम किए, गरीबों को हाथ पर उठाने का काम किए, तो और किसके खाते में जाएगा? जुमलेबाज के हाथ में दे देगा जाकर के सीट, उसको देख के क्या करेगा? जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का जन सैलाब आप लोग देख ही रहे हैं, टीवी, बाजा, वीडियो सब जगह देख रहे हैं।